कहाँ गुम है मेरा बेटा? इतना मसरूफ हो गया कि माँ के लिए वक्त ही नहीं। आइए बैठिए ना मामी, मैं बस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। बैठिए प्लीज। फाइज, मुझे तुम्हारे एग्जाम्स की फिक्र नहीं है मेरी जान। तुम पास नहीं भी होगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इतना सब कुछ जो है तुम्हारा ही तो है। मेरे गोल्स और अचीवमेंट्स मुख्तलिफ हैं, औरों की तरह नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें जानती हूं। इस वक्त तुम एग्जाम्स की टेंशन लोगे तो और ज्यादा जहनी उलझनों का शिकार हो जाओगे। मैं तुम्हें इस ट्रॉमा से निकालना चाहती हूं। कि मैं किसी ट्रॉमा में नहीं हूं, सच में नहीं हूं किसी ट्रॉमा में। मैं ठीक हूं, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहा हूं, एग्जाम्स दूंगा, जॉब्स आएंगी, जॉब करूंगा। आई एम आउट ऑफ इट। इतना ही वक्त चाहिए होता है किसी को अपने आप को तामीर करने के लिए। आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हो प्लीज। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। भाई, रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। लेकिन जो कुछ उसके हाथ में है, मुझे तो उसकी भी फिक्र है। मैं जिस फैमिली से हूँ उसे आपकी या मिसेज अनवारुल हक की वैलिडेशन की ज़रूरत है। और वैसे भी मम्मी ने मुझे बताया एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। अम्मी माइंड योर टोन, मेरी बीवी से बात कर रही हैं आप। आपने जो समझना आप समझ लें, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। डैडी से तो यह बात मैं पहले भी कर चुका हूं, अब मैं आपको भी बता रहा हूं। सोच लीजिएगा इस बारे में। और हां, उम्मीद है कि मेरे बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालेंगे आप लोग।